हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से एक कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को हम बाउल में डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो को हमें टाइट ही रखना है। तो डो बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके छोड़ देंगे। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेते हैं। तो तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं दाने भी तड़कने लगे हैं। अब इसमें हम एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। तो प्याज को मैंने भून लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को भून लेंगे। तो मसाले भी भून गए हैं। अब मैंने ये दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को हम मसाले में डाल देंगे। आलू और मसालों को चलाते हुए भून लेंगे। आलू और मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब ये मैंने एक चौथाई कप स्वीट कॉर्न के दाने लिए हैं। इन्हें मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। तो दानों को भी हम पैन में ही डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालेंगे। चाट मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे। सभी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया सी स्टफिंग बनकर रेडी है। एक बाउल में एक चौथाई कप मैदा डालेंगे, एक चुटकी नमक डाल देंगे। दोनों को मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। घोल को हमें गाढ़ा ही रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। तो मैंने इस तरह से गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। इसे रख देंगे साइड में। तो डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब डो में से हम थोड़ा पोर्शन लेंगे, इसकी लोई बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने लोई बना लिया। अब इसे हमें बेलना है। लोई को बेलने के लिए मैंने सूखा आटा डस्ट किया है। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। तो मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब इस पर हम टमाटर सॉस लगाएंगे। टमाटर सॉस की जगह पर आप पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं। मैं टमाटर सॉस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि टमाटर सॉस सभी के घर में अवेलेबल होता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। तो इस तरह से मैंने सॉस को पूरी रोटी पर लगा दिया है। हमने जो आलू की फिलिंग तैयार की है उसे हम रोटी पर रखेंगे। रोटी के सभी तरफ स्टफिंग को अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से पूरी स्टफिंग को मैंने रोटी पर फैला दिया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे फोल्ड किया है। अब
जो ये किनारी वाला हिस्सा है इस पर हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है और इसे हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे, इसे अच्छे से चिपका देंगे। अब जो साइड के किनारे हैं उसे हम कट कर लेंगे और इसे फिर से डो में मिला देंगे। अब इसे मैं फिर से बीच से कट कर रही हूँ। इस तरह से इसे हमें तैयार कर लेना है। तो हमने जो मैदे का घोल तैयार किया था, नाश्ते को हम मैदे के घोल में इस तरह से डिप कर लेंगे। मैदे की घोल की जगह पर आप गेहूं के आटे का घोल भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से इस नाश्ते को रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं गैस की ओर। पैन में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है। अब नाश्ते को हम पैन में रखेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो 3 से 4 मिनट तक हम इस नाश्ते को एक साइड से सेलो फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट लेंगे। तो अब इसे हम पलट लेते हैं। पलट पलट कर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे तो जो नाश्ता है वो ऊपर से जल्दी फ्राई हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। नाश्ते को मैंने पलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं गेहूं के आटे का कितना बढ़िया टेस्टी नाश्ता तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर बनाएं। इसे आप मेहमानों के आने पर भी उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। मेहमानों को भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।